हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल यूपीएससी लॉजी। दिस इज़ मी राहुल। आइए देखते हैं कि 8 सितंबर 2022 को यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के अंतर्गत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के लिए आपको कौन से आर्टिकल्स हैं जो यहाँ पर न्यूज़पेपर्स द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस में कवर करने हैं। और मैं इस आर्टिकल, ये जो भी आर्टिकल्स होंगे उनको थियरीज से भी कोशिश करूँगा कि जहाँ तक हो सके लिंक किया जाए। अगर आपको इसका पूरा कंपाइलेशन चाहिए तो पबेट पीडिया करंट अफेयर मैगज़ीन आप रेफ़र कर सकते हो। लिंक वगैरह जो भी है ग्रुप की, टेलीग्राम चैनल की, मैगजीन की, वो सब डिस्क्रिप्शन में है, सो यू कैन ज्वाइन इट। लेट्स गेट स्टार्टेड इन द न्यूज़पेपर डेटेड 8th of September 2022। तो आज कवर करेंगे, सबसे पहला जो आर्टिकल है, यूपी गवर्नमेंट पुट्स ऑल फार्म रिलेटेड रिवेन्यू रिकवरीज ऑन होल्ड। सो बेसिकली व्हाट हैपन इज दैट इन यूपी, जो यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट किया है रिवेन्यू डिपार्टमेंट को कि जो लैंड रिवेन्यू कलेक्शन किया जाता है स्टेट के द्वारा, उसको अभी ना किया जाए, उसको होल्ड पर रख दिया गया है लैंड रिवेन्यू कलेक्शन को। ओके, इसके अलावा पावर डिपार्टमेंट से भी ये बोला कि जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज़ है उसको भी यहाँ पे, जो ट्यूबवेल्स का इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज़ है उसको भी यहाँ पे होल्ड पे रखा जाए। तो बेसिकली दो डिसीजंस हैं, एक पावर डिपार्टमेंट से रिलेटेड और एक रिवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड। दोनों ही जो भी पैसे वगैरह हैं, जो भी रिवेन्यू है, उसको होल्ड पर रखने की बात है। तो बेसिकली न्यूज़ तो सिंपल है, ओके, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन की न्यूज़ है। यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसको यूज़ कर सकते हो ऑप्शनल में। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्रक्स क्या है? क्रक्स भाई ये है कि यहाँ पर बात हो रही है एमपी फॉले के सिचुएशनल लीडर शिप की। लेट मी शो यू दिस। तो एमपी फॉले, आपको पता है मैरी पार्कर फॉले, सी वाज टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ सिचुएशन। लॉ ऑफ सिचुएशन का उन्होंने प्रिंसिपल दिया था, और जब लॉ ऑफ सिचुएशन को फॉलो करोगे, पोजीशन, पर्सन, इन सब चीजों को छोड़ दोगे, तो आपको एक मिलेगी लीडरशिप, जिसको बोला जाता है फंक्शनल लीडरशिप, है ना, वो एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। लॉ ऑफ सिचुएशन ये कहता है दैट कोई किसी को ऑर्डर नहीं दे रहा, यहां पर कोई बॉसिज्म नहीं है, यहां पर कोई सुपीरियर और सबॉर्डिनेट नहीं है, यहां पर पावर ओवर नहीं है, यहां पावर विद है। पावर विद कब होगी? जब दो लोग हैं, कोई किसी को ऑर्डर नहीं दे रहा, ऑर्डर सिचुएशन दे रही है। तो इससे क्या हो जाएगा? डीपर्सनलाइजेशन ऑफ ऑर्डर्स हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे बस इतना लिंक करना है कि ये लॉ ऑफ सिचुएशन को दर्शा रहा है कि यूपी गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है वो एज पर द डिमांड ऑफ सिचुएशन लिया है। वैसे तो ये रूल, जो रूल्स हैं वो तो रूल्स हैं, है ना, रूल्स को अगर फॉलो किया जाए तो भाई ऐसे कैसे पावर को, पावर अगर, पावर मतलब बिजली पावर यूज़ करी है तो उसका जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज है उसको पे करना चाहिए फार्मर्स को, प्लस रिवेन्यू भी कलेक्शन जो है वो, टैक्सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेमोक्रेसी जो होती है वो स्टेट और सिटीजन के बीच का कॉन्ट्रैक्ट होती है, जबकि जो आपका जो टैक्सेशन होता है वो आपका ग्लू होता है जो इस कॉन्ट्रैक्ट को आपस में ज्वाइन करता है। ऐसा किसने बोला था? देखो भाई मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 ने बोला था। क्या बोला था? कि डेमोक्रेसी एक कॉन्ट्रैक्ट होती है सिटीजन और स्टेट के बीच में, लेकिन जो आपका टैक्सेशन है वो ग्लू होता है, इकोनॉमिक ग्लू होता है जो दोनों को कनेक्ट करता है, जोड़ता है, ठीक है। और टैक्सेशन एक अकाउंटेबिलिटी भी जनरेट करता है, अगर लोग टैक्स देना बंद कर दें तो एक अकाउंटेबिलिटी भी बिगड़ती है। कैसे? क्योंकि अगर लोग टैक्स नहीं देंगे तो या तो लोग फ्री राइडर बन जाएंगे या लोग उसको एग्जिट कर देंगे। फ्री राइडर कैसे बन जाएंगे? कि लोग टैक्स नहीं दे रहे, अगर लोग टैक्स देना बंद कर देंगे तो फिर सरकार से फ्री में सर्विस ले रहे हैं, और जब कोई चीज फ्री में ले रहे हो तो आप उससे क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप स्टेट से क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि जब फ्री में ले रहे हो तो एक तो मतलब वो कह सकते हो कि फ्री में कोई चीज है तो कहां से क्वेश्चन करोगे कि नहीं यार फ्री में भी ले रहे हो, फिर ये भी कह रहे हो कि नहीं इसमें दाल में पानी ज्यादा, ऐसा नहीं कह सकते। फ्री राइडर बन जाओगे तो आप अकाउंटेबल नहीं रख पाओगे स्टेट को, और
या तो आप एग्जिट कर दोगे, यानी कि आप हो सकता है प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ पब्लिक सेक्टर छोड़ के, तो एग्जिट कर दोगे तो अकाउंटेबिलिटी, वैसे कोई सेंस नहीं है अकाउंटेबिलिटी का, है ना, वहाँ तो कोई सब्सटेंस ही नहीं रहा किस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी। तो दोनों ही केसेस में ये समझ में आता है कि टैक्सेशन डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक इकोनॉमिक ग्लू का काम करता है। टैक्सेशन आपका जो है वो इस चीज़ में भी रेलिवेंट है कि भाई वो यहाँ पे आपका जो जो चीज़ है लाइक डेमोक्रेसी के अलावा अकाउंटेबिलिटी की बात में भी वो रेलिवेंट है। ऑल्सो टैक्सेशन इज इम्पॉर्टेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिटीजनशिप, क्योंकि सिटीजनशिप का जो एंटाइटलमेंट होता है वो होता है जो सरकार की सर्विसेज होती हैं कि भाई ये हमको मिल रहा है, लेकिन एंटाइटलमेंट के साथ एक ऑब्लिगेशन भी आता है, जैसे राइट्स और ड्यूटी होता है ना। तो जब सिटीजनशिप है तो राइट के तौर पर आपको सर्विसेज मिलेंगी, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के तौर पर या ऑब्लिगेशन के तौर पर या ड्यूटीज, जो अभी कर्तव्य काल चल रहा है, जो राजपथ को कर्तव्य पथ किया जा रहा है, जो सबका साथ सबका प्रयास और सबका विकास, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, प्लस उसमें सबका कर्तव्य भी जोड़ दिया था इस बार प्रेसिडेंट ने, ऑनरेबल प्रेसिडेंट भी कभी कभी इस चीज़ की, उन्होंने भी इस चीज़ को अपनी जो पहली स्पीच थी वहाँ यूज़ किया था। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवरऑल कि भाई टैक्सेशन से सिटीजनशिप में भी एक रेलिवेंस है टैक्सेशन का। ये तीनों चीज़ें जो मैंने बताई कि टैक्सेशन कैसे रेलिवेंट है सिटीजनशिप में, डेमोक्रेसी में और अकाउंटेबिलिटी में, CDA में कैसे रेलिवेंट है, ADC में, ACD में, कैसे भी कर लो याद कर लो क्यों रेलिवेंट है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का भी ये पार्ट हो जाता है, इकोनॉमिक सर्वे ने ये चीजें बोली हैं, यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। और यहां पे वापस आ जाते हैं, ये होता है जब मैं लेक्चर लेता हूं कि काफी चीजें रिलेट हो जाती हैं। तो हियर द टॉपिक वॉज अबाउट कि भाई ऐसा हो रहा है कि टैक्सेशन जो है वो कलेक्शन वगैरह का इशू है, तो ऐसा नहीं किया जा रहा, तो चेंज क्यों किया जा रहा है। जब चेंज किया जा रहा है तो MP फॉले का लॉ ऑफ सिचुएशन या वर्क करता है, जहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है। ये तो हो गई पहली बात कि लॉ ऑफ सिचुएशन काम कर रहा है। दूसरा टेक अवे, अब देखो क्या होता है कि लॉ ऑफ सिचुएशन से कोई रिलेटेड क्वेश्चन कर लिख रहे हो तो इसको एग्जांपल के तौर पे यूज़ कर लो, UPPCS दे रहे हो उसके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ करो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात इस तरीके से, और यहाँ से क्वेश्चन तो आएगा नहीं तो इसको एज एन एग्जाम्पल ही आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रेलिवेंस वैल्यूज एक्यूटी चेंज RVEC और क्लाइंट फोकस। ये जो RVEC नाम की ट्रिक है, जो अगर आपने लेक्चर्स मेरे देखे होंगे आपको पता है कि मैं निमोनिक का बहुत यूज़ करता हूँ, ठीक है, कहानियाँ बनाने का काफ़ी दिलचस्पी रहती है। तो रेलिवेंस वैल्यूज़ एक्यूटी चेंज, यहाँ पे जो V फॉर वैल्यूज़ है, R फॉर रेलिवेंस है। रेलिवेंस का मतलब क्या था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रेलिवेंट होना चाहिए, गूंगा बहरा एडमिनिस्ट्रेशन हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है, तो इसलिए रेलिवेंस होना चाहिए, तो ये रेलिवेंट एडमिनिस्ट्रेशन की निशानी है। ये वैल्यूज़ यहाँ पे शो हो रही हैं, वैल्यूज़ कौन सी वाली शो हो रही हैं कि मतलब सोशल वेलफेयर वाली वैल्यूज शो हो रही हैं। तो NPA का जो पर्सपेक्टिव है ये NPM नहीं है, NPM यहाँ होता तो फिर क्या होता कि ऐसे कैसे टैक्स नहीं दे रहे हो, है ना, ऐसे कैसे पैसा नहीं दे रहे हो। NPM में तो क्या होता है, यूजर चार्ज, सर्विस ली है तो पैसा देना पड़ेगी, ठीक है, देना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर, सो ऐसे काम करती हैं चीजें। तो ये NPA नहीं, NPM है, NPM नहीं, NPA है, ठीक है। तो ये हो गया भाई दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट और भी नहीं, नहीं अब मज़ा नहीं है, हमें और लिंक करना है, हमें यहाँ पे पर्सनैलिटी को भी लिंक करना है, कर लो भाई। पेपर 1 के अंदर एक यूनिट है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, उसके अंदर एक टॉपिक है लीडरशिप, लीडरशिप के अंदर बहुत सारे तरीके की लीडरशिप थियरीज हैं, लेकिन देखो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में जो क्वेश्चन आते हैं, अगर आप PYQ एनालाइज करोगे यू विल गेट दिस थिंग कि जो PYQs आते हैं दे आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स, कोई कोड दे देगा उसको एलेबोरेट करो, तो इस तरीके की चीज़ों में आप थियरीज यूज़ करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कंपैशनेट एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, ऑल इंडिया सर्विसेज जो कंडक्ट रूल्स है वहाँ पे भी जो कंपैशन है उसको लिखा गया है, तो उसकी एक रेलिवेंस है, है ना, न्यूट्रलिटी भी है प्लस कंपैशन भी है, दोनों आपस में एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी रहते हैं, बट दिस इज हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स। बहुत सारी चीज़ें कंट्राडिक्टरी हैं लेकिन उनकी एक अपनी अपनी रेलिवेंस है। तो ये कंपैशनेट एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ऐसा नहीं है कि रूल चल रहा है, रूल्स का ही रूल चल रहा है, ऐसा नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे रूल्स फ्लेक्सिबल हैं, यहाँ पे कंपैशनेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो शो हो रहा है। देखो ऐसा नहीं है कि ये आर्टिकल आ गया आप इसी आर्टिकल को हर जगह, मतलब मैं बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहा हूँ आर्टिकल को या ऐसा कुछ, जस्ट यूज़ दिस आर्टिकल फॉर द रिविजन। अब बहुत सारी चीज़ें आप नॉर्मल फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में आप टैक्सेशन नहीं पढ़ते, ठीक है, लेकिन
जो मैं कर पाता हूँ, मैं रिलेट कर पाता हूँ चीज़ों को, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप ऐसे रिवीजन आपका भी हो जाता है, ठीक है। अगर पसंद आए तो यू कैन कमेंट ऑन इट के सही है या कुछ कम करना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट आर्टिकल, उसको दो तीन जगह से रिलेट कर लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल। यहाँ पे ये बात हुई कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हैं उन्होंने यहाँ पे ये पाया कि 21 लाख सिलेक्टेड बेनिफिशियरी इन द स्टेट फाउंड इनएलिजिबल, ठीक है। तो ये भी यूपी की खबर है, अगेन यूपी बीसीएस वालों के लिए आज चांदी चांदी है, काफ़ी यूपी की न्यूज़ आ रही है। तो यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल था कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने ये बोला कि 21 लाख जो सिलेक्टेड बेनिफिशरीज थे स्टेट में वो इनएलिजिबल हैं। इसका मतलब क्या है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन से ये रेलिवेंट आर्टिकल हो गया कि भाई पॉलिसी जो होती है उसका एक इम्प्लीमेंटेशन होता है और वो इम्प्लीमेंटेशन सही होना चाहिए, डाइवर्जन ऑफ फंड नहीं होना चाहिए। इन जो बेनिफिशरी किसी भी स्कीम के होते तो वहाँ कौन कौन से एरर्स आते हैं, एक होता है इंक्लूजन एरर कि भाई जिसको नहीं मिलना था उसको मिल गया, एक होता है एक्सक्लूजन एरर कि भाई जिसको जिसको मिलना था, जो बेनिफिशियरी होना चाहिए था लिस्ट में वो नहीं हुआ, एक्सक्लूजन एरर। तीसरा है लीकेजेस कि भाई कहीं और ही चला गया, ठीक है, यहाँ कुछ लिस्ट की बात ही नहीं आई, कहीं अलग ही कहीं कुछ चल रहा है। तो बेनिफिशियरी इनएलिजिबल हैं यानी कि कौन सा एरर हुआ है यहाँ पे, इनएलिजिबल वालों को यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है अगर लिस्ट में उनका नाम है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई टैक्स पेयर्स को नहीं मिलना चाहिए था लेकिन मिल गया, तो ये क्या है, इंक्लूजन एरर, ठीक है, इस तरीके की चीज़ है। अभी इंक्लूजन एक्सक्लूजन लीकेजेस ये किस में आया था, इकोनॉमिक सर्वे में आया था। तो सर्वे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, नॉट ओनली फॉर प्रीलिम्स मेंस बट फॉर योर ऑप्शनल एज वेल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मैगजीन इंपॉर्टेंट नहीं होती कि मैगजीन पढ़ने लगे कि सर्वे में आया था क्या आया था, या ऐसे ही एआरसी है, एआरसी सेकंड एआरसी भी ऐसे नहीं है कि आप रिकमेंडेशन रट्टा मार लिया तो हो गया, ट्राई टू रीड द इशूज़ कि क्या उसमें कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, तो उससे काफ़ी चीज़ें अलग जगह यूज कर पाओगे। ऐसा नहीं कि जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसी में उसी का टॉपिक रहेगा, नहीं, कहीं और से कहीं और रेलिवेंट चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर। तो ये आपका फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का भी पार्ट हो गया कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एरर्स आ रहे हैं, है ना, वैसे ही स्टेट की फिस्कल कैपेसिटी सही नहीं है, ऊपर से एरर्स आ जाते हैं, लीकेजेस हो रहे हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर आ रहे हैं, सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर। वेलफेयरिज्म वगैरह के अप्रोच में ये फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ कर सकते हो, एंड एट द सेम टाइम पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के लूप होल में भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, बिकॉज पीएम किसान सम्मान निधि इज़ नॉट अ स्टेट स्कीम, इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ। कोई स्टेट स्कीम का कुछ हो जाता कि भाई स्टेट स्कीम है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट ये इंपॉर्टेंट है, आप यूज़ कर सकते हो कि पीएम किसान जो एक सेंट्रल जो एक मतलब सेंट्रल लेवल की स्कीम है, तो वहां से इंप्लीमेंटेशन जो है यूपी में ऐसे हो रहा है, तो कुछ इश्यूज हैं। ओके, सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर। एंड देन द नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑल अबाउट द हाई कोर्ट। तो कर्नाटका हाई कोर्ट काफी मतलब प्रो लेवल पे कर्नाटका हाई कोर्ट खेलता हुआ, पहले भी हमने देखा था कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो वहाँ का कर्नाटक में एसआई एग्ज़ाम कुछ था उसमें जब करप्शन हुआ था, कुछ ऐसे चार्जेस थे, तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने बोला था दैट करप्शन इज़ एन एक्ट ऑफ टेररिज्म टू द सोसाइटी। तो ये एक अच्छा एक कह सकते हो फ्रेज़ है जो आप यूज़ कर सकते हो कि हमेशा हम टेररिज्म को स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करके पाकिस्तान से लिंक कर देते हैं, बट वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसा भी है कि एक्ट ऑफ टेररिज्म, जो करप्शन कर रहे हैं ना लोग अंदर, इंटरनल करप्शन, जो इंटरनल टेररिज्म क्या है कि करप्शन हो रहा है वो भी एक टेररिज्म है, ठीक है। तो एक बहुत डीप पॉइंट है, यू कैन कोट इट इन योर आंसर। सिमिलरली यहाँ पर एक और आर्टिकल आ जाया जहाँ पे अगेन कर्नाटक हाई कोर्ट का पिक्चर है, और कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये बोला कि करप्शन केसेस के लिए गवर्नर की नॉड की ज़रूरत नहीं है। तो पहले नॉड वाली बात आई क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ये है कि गवर्नर सेंक्शन जो है, ये जो लॉ है प्रिवेंशन, ये सॉरी जो करप्शन वाला एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इसमें जो सेक्शन 19(1) है, इसमें ये लिखा हुआ है कि प्रोसिक्यूशन अगर कर रहा है कोई भी पुलिस ऑफिसर, प्रोसिक्यूट कर रहा है किसी मतलब किसी एक्यूज्ड को, तो प्रोसिक्यूशन से पहले गवर्नर की यहाँ पे एक क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रजिस्टर मतलब उनकी एक सेंक्शन चाहिए होगी। तो कोर्ट ने ये बोला, इसी चीज़ को क्लैरिफाई किया कि देखो लॉ जो है उसमें प्रोसिक्यूशन से पहले चाहिए है, ना कि
रजिस्ट्रेशन ऑफ केस के पहले, मतलब गवर्नर की जो सैंक्शन है, जो सैंक्शन है वो चाहिए कब? प्रोसिक्यूशन से पहले चाहिए है, रजिस्ट्रेशन ऑफ केस के पहले नहीं चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑफ द केस होता है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, और फिर चार्जशीट वगैरह फिर प्रोसिक्यूट बाद में होता है, ठीक है। सो ये चीज़ है। प्लस उन्होंने ये भी बोल दिया कि ठीक है, ये ठीक है, ये लॉ में ये प्रोसिक्यूशन वाला बात लिखा है, बट एट द सेम टाइम जो जस्टिस हैं कर्नाटका हाई कोर्ट के, उन्होंने ये भी बोला कि जो सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट अ पब्लिक सर्वेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इफ आई एक्यूज सीज प्राइमा फेसाई मटेरियल फॉर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अगर कोर्ट ने पहले देखा हुआ है प्राइमा फेसाई मटेरियल फॉर इन्वेस्टिगेशन, तो जो प्रोसिक्यूशन और पब्लिक सर्वेंट के पहले जो गवर्नर की सेंक्शन है, तो वो तब तब तो वो चाहिए भी नहीं है, ठीक है। तो दोनों केसेस में पहले कोर्ट ने इस लॉ को ध्यान में रखते हुए वो प्रोसिक्यूशन की बात करी, एंड देन कोर्ट ने बोला कि अगर कोर्ट उस चीज़ को प्राइमा फेसाई डील कर रहा है, तो ये कोई चीज़ नहीं है, गवर्नर की नॉड के बिना भी किया जो केस वगैरह है, जो प्रोसिक्यूशन है, वो किया जा सकता है। तो अगेन जो गवर्नर का रोल है, लाइक इन योर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो यूनिट है पेपर टू की, गवर्नर का बहुत सारा कुछ ना कुछ आता रहता है, और बहुत इंपॉर्टेंट थीम है यूपीएससी में, GS2 में भी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल पेपर टू में भी, तो वहाँ पे बात होती है। तो गवर्नर के बहुत सारे रोल हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सियल रोल हैं। एक ये भी है कि गवर्नर इस तरीके से भी रोल प्ले कर सकते हैं, तो वहाँ पर कोर्ट किस तरीके से आ रहा है बीच में, तो ये अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल में भी रेलिवेंट हो जाएगा, गवर्नर वाले चैप्टर में भी रेलिवेंट हो जाएगा कि कैसे गवर्नर जो है वो इस तरीके से एक कह सकते हो कि एक सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं पब्लिक सर्वेंट्स को, बट यहाँ पे कोर्ट ने इस तरीके से चीज़ों को बोला, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ इट इन योर गवर्नर चैप्टर एज वेल एज इन योर द अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल पोर्शन, क्योंकि यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, और करप्शन जहाँ आ जाएगा वो फिर सिग्निफिकेंट इश्यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो लास्ट यूनिट पेपर टू में, वहाँ से भी रेलिवेंट हो जाएगा, क्योंकि करप्शन जो है स्पेसिफिकली सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो द हिंदू का है, और ये आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है कि भाई चिली जो है, चिली जो कंट्री है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि भाई एक रेफरेंडम हुआ था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको चेंज किया जाए, तो 36 ईयर ओल्ड जो यहाँ पे मतलब जो पुराना वाला कॉन्स्टिट्यूशन है, 1980 वाला चार्टर था जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप के टाइम पे लिखा हुआ था, तो अभी जो वहाँ पे प्रेसिडेंट हैं गैब्रियल बॉरिक, उन्होंने ट्राई किया कि भाई इसको जो ये मार्केट स्टेट है, या जो मार्केट फ्रेंडली कंट्री है, मार्केट फ्रेंडली कंट्री कैसे है, 1980 वाले कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, तो उसको स्टेट ड्रिवन या राइट रिच वेलफेयर सोसाइटी बनाया जाए, ठीक है, यानी वो लेफ्टिस्ट किया जाए, स्टेट ड्रिवन किया जाए, स्टेट वेलफेयर अप्रोच लाया जाए, तो ऐसा उन्होंने कहा। तो यहाँ पे जनता ने बोल दिया नो, वी डोंट नीड दिस काइंड ऑफ अप्रोच। तो वैसे बेसिकली ऐसा नहीं था कि जनता के ऊपर कुछ थोपा जा रहा था, बिकॉज अर्लियर जो पीपल थे ऑफ चिली, जो दो देश के लोग थे, वही डिमांड कर रहे थे कि भाई हमको नया कॉन्स्टिट्यूशन ला के दो, ये तो डिक्टेटरशिप ने के टाइम पे लिखा हुआ है, तो वी नीड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो फिर उन्होंने कहा नहीं, हमको नया तो चाहिए लेकिन ये वाला नहीं चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर, एंड यू कैन यूज़ इट इन द कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंपेरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन आपका GS2 में भी रेलिवेंट है, और GS आपका ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर टू में भी। तो थोड़ा सा पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि UPSC जो क्वेश्चन आते हैं दे आर मोर फोकस्ड ऑन द बिगर कंट्रीज, द USA, और फिर जैसे USSR भी नहीं इतना इंपॉर्टेंट है, USA हो गया, UK हो गया, फ्रांस हो गया, तो ये कंट्रीज इंपॉर्टेंट हैं, बट यस अगर न्यूज़ में चल रहा है तो थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए। देन द नेक्स्ट आर्टिकल, ये जो डेटा पॉइंट का एक पॉइंट, डेटा पॉइंट का आर्टिकल है, इट इज़ टॉकिंग अबाउट द साइबर क्रिमिनल्स नाउ आफ्टर नॉन अर्बन रेजिडेंट्स, क्योंकि अर्बन रेजिडेंट्स आर मोर अवेयर, ठीक है। तो दैट्स वाई रिपोर्ट्स वगैरह में ये पता चल रहा है कि साइबर क्राइम्स जो हैं वो नॉन अर्बन प्लेसेस में अब शिफ्ट हो रहे हैं, नॉन अर्बन, नॉन मेट्रो, क्योंकि वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस की कमी है, ठीक है। देखो डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो डिजिटलाइजेशन की वजह से पीपल हैव द एक्सेस टू इंटरनेट, बट दे डोंट हैव द एंटायर नॉलेज अबाउट ऑल दीज थिंग्स, है ना। तो मेट्रोज में तो या अर्बन एरियाज में पीपल आर मोर अवेयर, बट इन रूरल एरियाज पीपल आर यूजिंग इंटरनेट, पीपल हैव दिस एक्सेस टू इंटरनेट नाउ डेज, बट
वहाँ पे इशू ये है कि भाई अभी ये चीज़ें बढ़ रही हैं। तो अगेन IEC की ज़रूरत है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन ये सब चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है, जन भागीदारी, जन आंदोलन, अवेयरनेस जनरेशन की बहुत ज़रूरत है। तो अगेन पब्लिक पॉलिसी के लिए भी रेलिवेंट एक पॉइंट हो सकता है कि कैसे पॉलिसी में डायनेमिज्म की ज़रूरत होती है, कि भाई हमने फोकस कर दिया अर्बन एरियाज़ पे, नाउ साइबर क्रिमिनल्स आर गोइंग टू द रूरल एरियाज़, ठीक है, तो वहाँ पे अब करना पड़ेगा, फिर वो कहीं और जाएंगे। तो दैट्स हाउ द पॉलिसी नीड्स टू बी प्रोएक्टिव। तो वहाँ पे फायर फायर फाइटिंग नहीं, फायर प्रूफिंग होनी चाहिए, है ना, फायर प्रूफिंग होनी चाहिए। ये कीवर्ड्स हैं, ये जो भी मैं बोलता हूँ बकवास, वो कीवर्ड्स होती हैं, यू कैन यूज़ इट इन योर आंसर्स। के फायर फाइटिंग क्या है, कि कुछ हो गया फिर फायर फाइटिंग कर रहे हो, फायर प्रूफिंग होनी चाहिए, पहले से चीज़ें, पहले से कहीं सिस्टम ऐसा रहने मत दो कि कहीं पे कुछ रूम रहे, है ना, कॉम्प्लिसेंसी नहीं होनी चाहिए, है ना। देयर शुड बी एक्सपर्टीज, डोमेन एक्सपर्टीज, ब्यूरोक्रेट्स में भी डोमेन एक्सपर्टीज होनी चाहिए, डोमेन कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, ना कि कॉम्प्लिसेंसी। कॉम्प्लिसेंसी होगी तो फिर आप प्रोएक्टिव नहीं रहोगे, आप फायर फाइटिंग करते रहोगे, फायर प्रूफिंग का कहीं पे स्कोप बचेगा ही नहीं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड। प्लस ये जो आर्टिकल है ये रेलिवेंट इसलिए भी है क्योंकि सिग्निफिकेंट इश्यूज इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में साइबर सिक्योरिटी अलग से दिया हुआ है, ठीक है। सो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ दिस पॉइंट इन योर आंसर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द पबेडपीडिया मैगजीन। तो ये आज के जो आर्टिकल्स हैं जो मैंने अपने चैनल पबेडपीडिया @PBEDPDF सर्च करोगे टेलीग्राम पे, या फिर लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में उसको फॉलो करोगे तो आपको मिल जाएगा आर्टिकल्स। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ, कल भी आर्टिकल्स आए थे, डेली आर्टिकल्स आते हैं, और कभी कभी मैं वीडियो अगर नहीं भी बना रहा हूँ तो यहाँ पे डेली अपडेट्स चलता रहता है। इफ़ यू लुक एट दिस यूट्यूब चैनल, यहाँ पे बहुत सारे दिनों में वीडियोज़ नहीं आते हैं, बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं, लेकिन वहाँ पे रेगुलर अपडेट्स, कुछ ना कुछ सर्वेज या जहाँ पर भी मुझे पबेड से रेलिवेंट कंटेंट मिलता है वहाँ पे होता रहता है। प्लस सम फ्यू पीपल आर देयर, जो वो लोग भी यहाँ पे मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, लाइक दे आर ऑल्सो कीप शेयरिंग द आर्टिकल्स, कुछ लोग आंसर राइटिंग भी करते हैं। सो यू कैन ज्वाइन द पबेड पीडिया एट टेलीग्राम, दिस इज़ इट। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू सब्सक्राइब द पबेड पीडिया करंट अफेयर मैगजीन फॉर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यू कैन सब्सक्राइब इट अराउंड 24-25 एडिशन, मोर देन 2 ईयर्स हो चुके हैं इस मैगजीन को पब्लिश करते करते, तो यू कैन सब्सक्राइब इट। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।